कठुआ और उन्नाव कांड पर राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुस्सा जाहिर करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। बड़ी लज्जा की क्षण की बात हमारे नहीं हो सकती है। मुझे तो घृणा आती है ऐसे लोगों पर जो लोग इस प्रकार के नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों को बचाने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नेता उन लोगों को पकड़ने की वकालत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उन्नाव में ऐसा हुआ, कठुआ में ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के अंदर सरकारें चाहती तो एक उदाहरण बनाती। तो वहीं सचिन पायलट ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए जो इस मामले पर सियासत कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोपी को पार्टी से निकालने की मांग की है। हिम्मत जो कर रहा है उसे पद छोड़ो, उसको तो इंसान बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतने दिनों के बाद जाके प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, जब कैंडल मार्च निकाली राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर और कल रात पूरे राजस्थान पूरे देश भर में हम लोग निकाल रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। अरे भूल जाओ राजनीति, भूल जाओ सरकार, बीजेपी कांग्रेस, कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन एक समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? खून खौलता पूरे देश का, जवाब मांगना चाहते हैं। अब इस्तीफे दिलवा लिए दो मंत्रियों से, पार्टी से निकालिए ऐसे लोगों को आप। क्या कारण है कि आप उनको अभी तक अपनी पार्टी में रखे हुए हो? उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए जो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। कोई इंसानियत इस देश में बचेगी या सब राजनीति की भेंट चढ़ा देंगे? और शर्म आनी चाहिए भाजपा को, उनके सरकारों को, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को। बताते चले आपको, इन दोनों ही मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।